नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। खबर भोपाल से है, जहां होटल की छठवीं मंजिल से पहले पिता गिरे फिर बेटा, बेटे के ऊपर एक और युवक गिरा। 15 मिनट तक तीनों वहीं तड़पते रहे। अस्पताल में पिता पुत्र ने दम तोड़ दिया। भोपाल में रायसेन रोड स्थित होटल रेशम राव में छठवीं मंजिल से पिता पुत्र गिर गए। हादसा रविवार रात 10 बजे हुआ। ठेकेदार, पिता पुत्र और एक मजदूर सेटरिंग सेट कर रहे थे। इसी बीच धक्का लगने से लकड़ी का एक पिलर खिसक गया। इससे तीनों 70 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। उन पर दिवाली तक काम पूरा करने का दबाव था। कबीरपुरा निवासी मोहम्मद हनीफ सेटरिंग ठेकेदार थे। उन्होंने रेशमराव होटल के रेनोवेशन का ठेका लिया था। 4 महीने से होटल में काम चल रहा था। रविवार की रात 10 बजे वे होटल के पीछे की तरफ छठवीं मंजिल पर अपने बेटे फरदीन और एक मजदूर बद्री के साथ सेटरिंग सेट कर रहे थे। सेटरिंग सेट करने के दौरान तीनों 2-2 फीट की दूरी पर थे। अचानक नीचे से सेटरिंग का एक पिलर खिसक गया। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। सेटरिंग भरभरा कर नीचे गिराई। सबसे पहले हनीफ जमीन पर गिरे, इसके बाद उनका बेटा फरदीन के ऊपर बद्री गिरा। 15 मिनट तक तीनों मौके पर ही तड़पते हुए पड़े रहे। होटल स्टाफ ने गंभीर हालत में तीनों को शहर के ही नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पिता पुत्र की मौत हो गई। डॉक्टर हरिओम वर्मा ने बताया कि मजदूर बद्री की पसलियां टूट गई हैं, सिर और ब्रेन में चोट है। पूरे घटनाक्रम में होटल मालिक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। काम करने वाले लोगों के लिए सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। रात में काम कराया जा रहा था। बिलखिरिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।